नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही कम जगह में आपको मैं दिखा दूं, बस इतने ही सा जगह में दोस्तों जो है वो एक बेहतरीन सीढ़ी किस तरीके से बनवा सकते हैं। दोस्तों, इसी सीढ़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक एंट्रेंस भी है और आप देखेंगे कि यहाँ से भी एक जो है वो एंट्रेंस है। इस तरह से दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सिचुएशन था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया गया है। दोस्तों, डायमेंशन के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इस सीढ़ी को बनाया गया है। चलिए सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ गलती भी मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजर वगैरह कितना दिया गया, और बहुत ही कम जगह में, ठीक है, ये इसका खासियत है। ये मैं आपको राइजर दिखा दूँ अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राइजर जो है वो 6 इंच का रखा गया, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि जगह की कमी करने के लिए बहुत ज़्यादा राइजर को ऊँचा कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो भी डिपेंड करता है कि हमें कितना जगह चाहिए। चलिए इसका मैं आपको जो है वो चौड़ाई दिखा देता हूँ, ताकि आपको और देखने में आसानी हो। ये देख सकते हैं दोस्तों, 3 फीट का ये सीढ़ी जो है वो चौड़ाई लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा जगह है दोस्तों, 3.5 फीट 3 फीट 3 इंच तक आ सकते हैं, ताकि रेलिंग वगैरह लगाने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा स्पेस बचत हो जाए। दोस्तों, बस 1.5 से 2 मिनट रुकिए, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, या फिर वो लोग जो लोग परेशान हैं कम जगह में सीढ़ी को लेकर के, उन तक दोस्तों हमारा ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा। दोस्तों, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है सीढ़ी डिजाइन करते समय, ये जगह को बहुत से लोग कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप दोस्तों इस तरीके से ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो इस जगह की हमें आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। नीचे में भले इस जगह का इस्तेमाल ना हो, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लाई 4 है, ठीक है। एक इधर से फिर ऊपर गया हुआ, फिर इधर वापस आया हुआ, पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जो है वो लंबाई दिखा देता हूँ, कितना फीट लंबा है, फिर चौड़ाई भी दिखाऊंगा, ठीक है। इधर मेजर कीजिए या फिर इधर मेजर कीजिए, बात एक ही है। चलिए मैं इधर से जो है वो मेजर कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले। आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल अंतिम छोर से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे स्टेयर कमोबेश जो है वो 10 फीट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो 10 फीट का ये सीढ़ी जो है वो चौड़ाई लिए हुए है। अब बात कर लेते हैं लंबाई का, उसके बाद दोस्तों इसके बनावट को भी दिखाऊंगा। दोस्तों, चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर लेवल डिफरेंस नहीं है, मेरा टेप मुड़ा हुआ भी है, ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों चौड़ाई के मामले में ये सीढ़ी जो है वो 8.5 फीट का आ रहा है, ठीक है। 8.5 फीट के करीब में आ रहा है इसका चौड़ाई जो है वो। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी का पूरा बनावट देख सकते हैं, नीचे अच्छा खासा आपके पास स्पेस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इन्वर्टर वगैरह रखने के लिए, या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह, या फिर स्टोरेज बॉक्स भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब इसकी बनावट की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे ये सीढ़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। या तो घर के अंदर से जो व्यक्ति आएंगे, या फिर पार्किंग एरिया से भी इसका जो है वो कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है, ये कॉमन एरिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इस तरीके से फर्स्ट फ्लाई दोस्तों वहाँ पे लैंडिंग को कट करके एक स्टेप को बढ़ाया गया, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये दूसरा फ्लाई है, इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक तीसरा फ्लाई है, ठीक है, और ये लास्ट में चौथा फ्लाई है, और एक इस तरीके से हमारा सीढ़ी जो है वो छत पर चला गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टेयर जो है वो यहाँ से फिर स्टार्ट लेगा, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट लैंडिंग, सेकंड लैंडिंग, थर्ड लैंडिंग, अगेन दोस्तों ये छत पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका बनावट है, और आप मुझे बताइए कि ये सीढ़ी आपको कैसा लगा, और जो इसने स्पेस लिया है वो कितना जस्टिफाई करता है। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।